अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हम पहले कुकर में घी डालेंगे। इसके बाद जो हमने मैश किए हुए गाजर थे उसमें ऐड करेंगे हम एक एक करके, और साथ साथ उसको स्टर भी करते जाएंगे ताकि चिपके नहीं नीचे। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम दूध उबाल लेंगे जो इसमें बाद में डालेंगे। हम पहले इसको उबाल देंगे, हाफ हाफ कप लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, जितने आपके पास गाजर का हलवा होगा उसके हिसाब आप दूध भी डाल सकते हैं इसमें। हम ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची डालेंगे इसमें, दूध नहीं डालेंगे। वो चीनी आप आपका डाल दीजिए इसमें और इसी में मिक्स कर लेंगे। हम गाजर के हलवे में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम दूध में डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाता है दूध में। हलवे में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगा लेंगे और एक दो विसल्स के लिए रख लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। एक दो विसल्स के बाद फिर खोल लेंगे हम। वो साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। हम इसको खोलेंगे, अब चेक कर लेंगे एब्जॉर्ब हो गए पानी कि नहीं, फिर लीड के बगैर ही रख लेंगे ताकि इसमें पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। जब तक कि घी वापस ना छोड़ दे तब तक इसको फ्राई करते ही जाना है। साथ साथ स्टोर भी करते जाना है ताकि चिपके नहीं नीचे। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे जो हम गार्निशिंग के यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल लेंगे और हमारा गाजर का हलवा रेडी होता है। व्यूअर्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।